तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज भुवनेश्वर में ब्लॉग बन रहा है और आज हम लोग आए हैं आनंद वन में। तो आनंद वन का एंट्री टिकट जो है आपको 5 रुपया मिलेगा और आपको यहाँ पे गाड़ी पार्किंग फ्री रहेगा। तो अभी हम लोग पार्किंग के प्लेस तक आ चुके हैं, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पहुँच गए। अभी इसके अंदर जाते हैं, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं, प्लान कर रहे हैं। तो इवनिंग या मॉर्निंग के टाइम पर करिएगा, दिन के टाइम पर बहुत ही धूप है, पर कपल्स के लिए शायद ही बहुत ही अच्छा जगह है जितना मुझे फीडबैक मिला है। अंदर जाने के बाद पता चलेगा। चलिए, तो अभी ये बाहर काम भी थोड़ा चल रहा है। हाँ, काम भी कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ बैठने के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है, पत्थर से बनाए हैं, तो आराम से यार यहाँ बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे मिलेट शक्ति कैफ़े और कोरापुट कैफ़े भी का ऑप्शन है। बहुत तेज़ धूप हो रहा है, धूप के कारण मतलब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और इसके अंदर तो पर जंगल है, वो इशू नहीं होगा, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए जो धूप का इशू है ना, वो रहने वाला है। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप अगर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे ओपन बुक मिल जाएगा और ओपन बुक से आप जो चाहे लेके पढ़ सकते हैं या तो फोटोशूट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जंगल के बीचों बीच से जा रहे हैं, कुछ नहीं है जंगल के अंदर, बस बाउंड्री घुमा दिया गया है और उसके लिए 5 रुपया लिया जा रहा है। तो जंगल मतलब तो शहर के बीच में कंक्रीट जंगल के अंदर असली वाला जंगल है ये आप बोल सकते हो, इसीलिए से आनंद वन बोला जाता है। पूरा गवर्नमेंट का जगह पड़ा हुआ था, साइड में बाउंड्री कर दिया गया, बीच बीच में लाइट लगा दिया गया, बैठने के लिए इस तरह से बना दिया गया और आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का जगह बन गया, हमारे लिए एंटरटेनमेंट की जगह बन गया और सरकार का ये बन गया कमाई और कुछ लोगों के लिए रोज़गार मिल गया। तो बहुत ही अच्छी जगह है, आ सकते हैं। तो इस ये जंगल के अंदर ना एक चीज़ आज मुझे देखने को अच्छा सा चीज़ मिला है, मतलब बहुत दिनों के बाद कि भुवनेश्वर में भी ये पेड़ एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये है हम लोग का रुई का पेड़। आप अगर मेरे पीछे देखोगे ना, ये जितना भी पेड़ है ना ऊपर, ये सारा रुई का पेड़ है। मतलब इस तरह से सूखा वाला आपको मिलेगा और उसको तोड़ने के बाद इस तरह से रुई बनता है, तो एक अच्छा चीज़ है। टाइम के टाइम आएंगे तो टाइम के हिसाब से आपको यहाँ फल मिलेगा और उसके ऊपर जानकारी मिलेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्क जैसा है और यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं, मतलब आप स्टेडियम जैसा ही काम करेगा। तो यहाँ पे आपको एक थिएटर साइड का ग्राउंड में देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं, बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, आगे बुक से और सारा कुछ मज़ा यहाँ ले सकते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल मतलब पौंड बन रहा है, यहाँ पर पौंड बनेगा, पानी वानी भी डाले जाएगा, काम चल रहा है। तो अभी मैं तालाब के नीचे आ गया हूँ, पानी सूख गया है, मतलब पानी शायद निकाल दिए हैं, पानी डाले नहीं है, कहीं कुछ काम चल रहा है, तो उसके अंदर अंदर से मैं जा रहा हूँ। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस यही है कि एक मतलब शहर के अंदर पे एक बहुत सारा जंगल है और तो जंगल में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है और आप इसके अंदर आराम से जंगल का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे साइकिल रखा हुआ है, आप साइकिल लेके बन के अंदर घूम सकते हैं। तो अभी साइकिल पूरा नया का नया है अभी तक, मतलब इसका ये अब सब निकला नहीं है और बट इसमें चीज़ें क्या ये ना अभी तक ताला डाल के रखा हुआ है, तो वो एक इशू है। बस ये साइकिल का है कि जैसे मो साइकिल जो लॉन्च हुआ था और वो अभी जाके कहीं ना कूड़े कचरे में गिरा हुआ है, तो ये साइकिल का कंडीशन वो ना होता है, क्योंकि इतना दिन हो गया, मतलब मैं तो बहुत दिनों के बाद आया हूँ, मतलब लॉन्च होने के बाद अभी तक ये साइकिल का मतलब कुछ शुरुआत नहीं हुआ है, ना ही स्टिकर निकला है, अभी तक वो लॉक डाल के रखा हुआ है, तो शायद ये एक इशू होने वाला है। तो ये आपको पूरा मैप दिखेगा, यहाँ पे आपको क्या क्या करना है। तो अभी हम लोग जो बी साइड वाला में गेट में है ना, वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, एक वाटर बॉडी जो अभी सूख गया है, यहाँ पे हम लोग जा नहीं पाए, ये अभी तक बना नहीं है, पार्किंग एरिया तो है ही वैसा, टॉयलेट एरिया देखा नहीं हूँ,
ये वाला तो देख लिए हैं, और ये तो और भी हम जिसके सामने अभी खड़े हैं, पर अभी फ़िलहाल ये बंद है। तो बी में भी मुझे इतना कुछ खास दिखा नहीं, शायद हम लोग चले भी नहीं, पता नहीं। एक बार अंदर चलते हैं, फिर एक बार देखते हैं क्या क्या है अंदर देखने के लिए।